लॉकडाउन में विदेश में फंसे लोगों को भारत लौटने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, यहाँ आप जान सकते हैं सब कुछ। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक स्पेशल फ्लाइट चलेगी। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात के लिए 10, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7-7, सऊदी अरब के लिए 5, सिंगापुर के लिए 5 और कतर के लिए 2 उड़ानें भेजेगा भारत। कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन का आज 43वां दिन है। लॉकडाउन में कई देशों में भारतीय भी फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए मोदी सरकार गुरुवार से वंदे भारत मिशन शुरू कर रही है। इसके तहत करीब 15,000 भारतीय कई चरणों में विदेशों से वापस लाए जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी यात्रा का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक स्पेशल फ्लाइट चलेगी। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात के लिए 10, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7-7, सऊदी अरब के लिए 5, सिंगापुर के लिए 5 और कतर के लिए 2 उड़ानें भेजेगा। एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इसी तरह मलेशिया और बांग्लादेश के लिए 7-7 और कुवैत और फिलीपीन के लिए 5-5 और ओमान बहरीन के लिए 2-2 फ्लाइट भेजी जाएगी। अगर आप यूके और यूएस से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको 50,000 से 1,00,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। अगर आप ढाका बांग्लादेश से नई दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको 12,000 रुपए देना होगा। सिंगापुर से दिल्ली और मुंबई यात्रा करने वाले यात्रियों को 20,000 रुपए अदा करने होंगे। वहीं सिंगापुर से बेंगलुरु आने वाले यात्रियों को 18,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विभिन्न देशों के दूतावास सूची तैयार कर रहे हैं। फ्लाइट में सवार होने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और बीमारी के लक्षण नहीं होने वाले को ही अनुमति मिलेगी। हर यात्री को स्वास्थ्य और नागर विमानन मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। भारत वापस आने पर यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनका मेडिकल होगा, जिसके बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। राज्य सरकारों को इन यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ टेस्टिंग और आइसोलेशन में रखने की तैयारी करने की सलाह दी जा रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।